हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन स्लीव्स पैटर्न, जिसके लिए यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, जिसकी मदद से हम डिज़ाइन करेंगे ब्यूटीफुल स्लीव्स पैटर्न। सो गाइस, लेट्स स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें स्लीव्स को कट करना है। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से टू फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ से चौड़ाई मैं लूँगी 10 इंचेस। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ में रखूंगी यहाँ से 12 इंचेस और यहाँ पे हमें लेनी है स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं रखूंगी यहाँ पे 8 इंचेस और यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। इस स्लीव्स को हमें कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव्स को कट कर लिया है, इसे हम ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, नीचे की जो बॉर्डर है उसे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, इस तरह का हम मैंने स्ट्रिप कट कर लिया है इसी फैब्रिक से। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंचेस। इसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड पे टू फोल्ड करना है और यहां से आपको सिलाई करनी है पूरी लेंथ में। हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब एक एंड से हम इस तरह से आपको इसे फोल्ड करते जाना है अंदर की तरफ। तो यहां तक हमें इसे निकालना है, उसके बाद इस फैब्रिक को हम यहां से इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमारा राइट साइड पे टर्न हो चुका है। इसे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रेस कर लिया है। अभी जो हमारे स्लीव्स है उसके सेंटर में हमें लाइन को ड्रॉ करना है। स्लीव्स का जो सेंटर है उसे हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें इसे पैटर्न करने के लिए सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलाई करके फिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे। यहाँ पे हमने लॉक कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंचेस पे सबसे पहले 1 इंच का एक मार्क लगा दीजिए, वो हमारी फिटिंग में जाएगा। तो यहाँ से हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम 3 इंचेस पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे आपको सिलाई करके लॉक करना होगा। यहाँ पे हम सिलाई करके इसे लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब वापस हम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंचेस पे एक और मार्क करेंगे और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो मार्किंग हमने की है वहां तक हम इसे फोल्ड करेंगे
और यहाँ पे भी आपको सिलाई करके लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लॉक कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी आपको सिलाई करके लॉक कर लेना है। उसके बाद वही प्रोसेस हमें नीचे तक रिपीट करनी होगी। यहाँ से हम 3 इंचेस में मार्क करेंगे और इसे यहाँ पे उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे आपको लॉक कर लेना है। उसके बाद हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें अपने हाथों से पैटर्न तैयार करनी है। तो इस पार्ट को हम इस तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से। उसके बाद हमें थ्रेड और नीडल से इसे बनाना है। तो यहाँ से हम नीडल को पास करेंगे और बीच में हमें आप बटन या मोती लगा सकते हैं। एक बार और पास कर लेंगे हम। उसके बाद इस तरह का मैंने मोती लिया हुआ है, उसे यहाँ पे हम सेंटर में रखेंगे और दूसरी तरफ से हम उसी तरह से यहाँ से नीडल को पास कर लेंगे। तो बीच में हमारी इस तरह की पैटर्न तैयार हो जाएगी। उसे वापस हम अच्छे से इस तरह से लॉक कर लेंगे। तो दोबारा आपको सुई को इस तरह से डाल के इसे वापस हमें इसे सिलाई करनी होगी ताकि यहाँ से निकले ना। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे निकाल लेना है। तो धागे को हम इस तरह से बैक साइड पे निकाल लेंगे और यहाँ पे आपको इसे लॉक कर लेना है। इस तरह की पैटर्न हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लॉक कर लेंगे इसे। उसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। अब उसी तरह से यहाँ पे हमें उसी मेथड को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। यहाँ से हमें नीडल को पास कर लेना है और उसके बाद बीच में हमें बटन या मोती लगाने हैं या पल्स, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं अपनी पसंद से। उसमें से हमें पास कर लेना है और उसके बाद दूसरा जो हमारा कॉर्नर है उसमें से हम इसे पास कर लेंगे।
और उसके बाद हमें इस थ्रेड को इस तरह से खींचना है। और वापस एक बार हमें इसी तरह से इस थ्रेड को इसमें से पास कर लेना है। और इसे हमें बैक साइड पे टाई करके लॉक कर लेना है। यहाँ से हम इसे बैक साइड पे धागे को निकाल लेंगे। और यहाँ पे आपको लॉक कर लेना है। यहाँ पे हमने इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। उसी तरह से जो हमारे सभी जो हमने तैयार किए हैं उसी मेथड से हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से स्लीव्स पैटर्न को तैयार कर लिया है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप इसे जरूर ट्राई करें गाइस। तैयार हमारे डिजाइन है ब्यूटीफुल स्लीव्स पैटर्न। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज को मिस ना करें। और आप गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इसे जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।